सबसे पहले मैं देश के अलग अलग हिस्सों से नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में भाग ले रहे सभी एनसीसी कैडेट्स को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ योग ऊर्जा अनुशासन तथा तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जैसे गुणों का प्रतीक है जिसके लिए हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी जाने जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज आप सबने भी बढ़ चढ़ करके योग दिवस के उत्सव में जरूर भाग लिया होगा इस साल एनसीसी अपनी स्थापना के पचहत्तरवें वर्ष पूरे कर रहा है दुनिया के इस सबसे बड़े युवा संगठन को अमृतकाल की यात्रा के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। देश की युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने में एनसीसी निदेशालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। एनसीसी राष्ट्रीय एकता अनुशासन देशभक्ति निस्वार्थ सेवा के मूल्यों का एक गौरवपूर्ण प्रतीक है और मैं मानता हूं, राष्ट्र के निर्माण के एकमात्र संकल्प के साथ एनसीसी की 75 वर्ष की अनवरत यात्रा ने देश के नौजवानों को कैरेक्टर बिल्डिंग टीम वर्क तथा समाज के अन्य वर्गों को संकीर्णता से ऊपर उठाकर देश हित के एकमात्र लक्ष्य सबका साथ सबका विकास के लिए प्रेरित किया है नेतृत्व कर्तव्य साहस और सेवा जैसे मूल्यों के साथ हर एक कैडेट पारंपरिक तौर पर पिछले सात दशकों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का बड़ा माध्यम भी बना हुआ है मुझे व्यक्तिगत रूप से गर्व की अनुभूति होती है जब मैं देख पाता हूँ कि हमारे राष्ट्र की बागडोर ऐसे युवाओं के हाथ में है जो अनुकरणीय साहस नैतिकता सामाजिक मूल्यों तथा एकता की भावना से शक्तिशाली भारत की नींव रख रहे हैं युवा साथियों एक बात अवश्य याद रखिएगा स्वर्णिम भविष्य का निर्माण अतीत की मजबूत नींव पर ही संभव होता है आज जब एनसीसी अपनी स्थापना के पचहत्तरवें वर्ष पूरा कर रहा है तब उसकी नींव पर भी एक नजर डालना जरूरी है और वह नींव है महान स्वतंत्रता सेनानी देश के प्रख्यात राजनेता पंडित हृदयनाथ कुंजरू वह प्रयागराज के एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे और सबसे पहले उन्होंने भारत में एनसीसी की स्थापना की वकालत की थी और एक रिपोर्ट तैयार करके उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम भी उन्होंने किया मैं समझता हूं एनसीसी का संबंध कहीं न कहीं बहुत गहरे में जम्मू कश्मीर की मिट्टी से जुड़ा हुआ रहा है और पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने भारत की संविधान सभा में बाईस नवंबर उन्नीस को कहा था कि इस देश का अस्तित्व इसलिए बचा हुआ है क्योंकि तो हमारे पूर्वजों ने इसकी आध्यात्मिक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था की सुदृढ़ भूमि तैयार की थी और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है यूनान और यूनान मिश्र रोमा समिट गए जहाँ से बाकी अभी तलक है हिंदुस्तान हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा मित्रों पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अपने पूर्वजों के संकल्प को साकार करने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपकी आज की नौजवान पीढ़ी के कंधों पर है श्रीनगर का नेशनल इंटीग्रेशन कैंप विविधता में एकता का भी प्रतीक है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देश के अलग अलग हिस्सों अलग अलग बैकग्राउंड मजहब संस्कृतियों भाषाओं को एक साथ जोड़कर यह कैंप हमारे महान राष्ट्र की छवि को भी प्रतिबिंबित करता है पिछले पचहत्तर सालों में एनसीसी के कार्यों देश के अलग अलग हिस्सों में कैंप के माध्यम से पूरी दुनिया इस बात की साक्षी बनी है कि विविधता मतभेद नहीं बल्कि समाज की जीवंत शक्ति का स्रोत है मुझे बताया गया है यह कैंप 15 जून को शुरू हुआ था यानी देश के अलग अलग राज्यों तथा यूटी से 200 सौ कैडेट्स ऐसे समय में जम्मू कश्मीर आए हैं जब जी के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी के नौजवान नई आकांक्षाओं और नए सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं हर महीने रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से कुछ बात करता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि जो सुझाव लोग दे रहे हैं उसको प्रशासन की नीतियों में शामिल किया जाए और मुझे बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि उस कार्यक्रम में हर महीने हजारों सुझाव नौजवान ही देते हैं जी ट्वेंटी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पश्चात मुझे बहुत से नौजवानों ने पत्र लिख के मेल करके सुझाव दिया कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म प्रमोशन के लिए इस तरह के इंटरवेंशन किए जा सकते हैं कुछ ऐसे नए कदम उठाए जा सकते हैं यह जम्मू कश्मीर के युवाओं में राष्ट्र निर्माण की चेतना का भी प्रतीक है सामाजिक आर्थिक बदलाव की प्रभावशाली आवाज़ बनकर जम्मू कश्मीर के नौजवान बढ़ चढ़ कर एन भी ज्वाइन कर रहे हैं ये प्रसन्नता की बात है और यहाँ सभी पंचायतों में यूथ क्लब भी स्थापित किए गए हैं और यूथ क्लब के ये सदस्य अवाम की विकास यात्रा में प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं कोई व्यक्ति और सामाजिक वर्ग पीछे न छूट जाए इस तरफ हमारी मदद भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स की गतिविधियों आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे कार्यक्रमों ने युवा जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया है और मुझे भरोसा है कि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी हमारी सफलता का मार्ग जरूर प्रशस्त करेगी मित्रों मुझे विश्वास है कि पिछले एक सप्ताह में आप लोग जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू हुए होंगे कुछ टूरिस्ट स्पॉट पर भी जाने का अवसर आपको मिला होगा तथा यहाँ के स्थानीय नौजवानों से गुप्तगु भी हुई होगी इस कैंप में आपका हर क्षण हर एक नौजवान के साथ इंटरेक्शन न सिर्फ राष्ट्र के मुकुटमणि कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की नई आकांक्षा और नए सपने को जानने का अवसर देगा बल्कि आप यह भी समझ सकेंगे कि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर अपने सपनों को आकार देने तथा नव भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर के कंप्लीट इंटीग्रेशन के द्वारा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अन्य राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर के संबंधों को भी काफी मजबूत किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत यूथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर का पार्टनर तमिलनाडु है दोनों जगहों के युवा आपस में विचारों संस्कृतियों साहित्य संगीत तथा कला शिल्प की विभिन्न विधाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं अभी तेईस तारीख को ही वितस्ता नाम का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं श्रीनगर में आयोजित हो रहा है इस तरह के कार्यक्रम समाज को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं आप लोगों को जानकर ये शायद हैरानी होगी कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 60 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया है तीन लाख से ज़्यादा नौजवान बच्चे और बच्चियाँ ये इंटरप्रेन्योर बन सके हैं अगर आप औसत निकालेंगे प्रतिदिन का 2022 का तो आठ सौ इक्कीस युवाओं ने अपनी इंटर पेनोनियल जर्नी 2022 में शुरू की है और अपनी सफलता से वो जम्मू कश्मीर का एक नया इतिहास लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आई शांति और समृद्धि पीस और प्रॉस्पेरिटी ने युवाओं को मौका दिया है कि वह देश के अन्य राज्यों के नौजवानों की तरह विज्ञान में प्रगति कर सकें स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें और नई टेक्नोलॉजी सीख सकें इसके लिए अनेक प्रयत्न जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है मुझे उम्मीद है कि जब आप नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के, के पश्चात अपने राज्य शहर तथा गांव वापस जाएंगे तो जम्मू कश्मीर प्रवास की मधुर यादों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आए सकारात्मक परिवर्तन यहाँ की समृद्ध संस्कृति हमारे युवाओं में राष्ट्र निर्माण की प्रब, प्रबल आकांक्षा भी आपको जरूर याद आएगी और आप ही जम्मू कश्मीर के सही एम्बेसडर होंगे और इन परिवर्तनों को देश तक पहुँचाने में हमारे माध्यम बनेंगे मुझे यह भी उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ आगे भी जम्मू कश्मीर आते रहेंगे और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ आपका आजीवन मित्रता का संबंध निर्मित होगा मैं आप सभी के संकल्प ऊर्जा जीवन शक्ति और उत्साह की भूरी भूरी सराहना करता हूं और इस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को आयोजित करने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय को भी हृदय से बधाई देता हूं अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और बताया गया जैसा कि आने वाले दिनों में एनसीसी की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय करने वाला है ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है इसके लिए भी मैं निदेशालय को हृदय से साधुवाद देता हूँ धन्यवाद जय हिंद